वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेके आ गया हूँ, इंपॉर्टेंट गल्फ ऑफ द वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया में जो गल्फ होते हैं ना, आप सुना होगा गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ फ्लोरिडा, ये सब तो पूरी दुनिया के देखेंगे आज मोस्ट इंपॉर्टेंट गल्फ। ठीक है, गल्फ क्या होता है, देखिए आपको ये दिख रहा है गल्फ ऑफ मैक्सिको, तो यहाँ पे ये लैंड है, एक तरफ लैंड है पूरी तरफ से सराउंडेड, और ये गल्फ जो है ये गल्फ है, यहाँ से समुद्र से जुड़ जाएगा ये। तो गल्फ इज़ अ बॉडी ऑफ वाटर, गल्फ जो होता है एक पानी की बॉडी होती है दैट कनेक्टेड टू अ सी, जो देखिए समुद्र से कनेक्ट होती है, वाटर बॉडी होती है जो समुद्र से कनेक्ट होती है, और चारों तरफ उसके जो होता है वो क्या होता है, एक लैंड होता है। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, गल्फ इज़ अ बॉडी सराउंडेड बाय लैंड, है ना, इट इज़ अ वाटर बॉडी कनेक्टेड विथ सी। बस गल्फ क्या होता है, जैसे इंडिया के पास देखो गल्फ ऑफ खंबत है, तो ये लैंड हो गया और यहाँ पे ओशियन से कनेक्ट है वो, है ना, तो ओशियन से कनेक्ट होता है और चारों तरफ उसके लैंड होती है। तो आइए दुनिया के मोस्ट इंपॉर्टेंट गल्फ देखते हैं। तो सबसे पहला है गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको ये लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड है, दुनिया का सबसे बड़ा गल्फ आपको दिख रहा होगा, ये देखिए गल्फ ऑफ मैक्सिको सबसे बड़ा गल्फ है ये। ठीक है, अब ये है कहाँ पे भैया, तो देखो ये यूएस है ना, ये यूनाइटेड स्टेट है, ये आपका क्या है मैक्सिको है, और ये आपका क्यूबा है, यूएस मैक्सिको क्यूबा, है ना, यूएस मैक्सिको क्यूबा यहाँ दिख रहा है आपको। अब इसकी कॉस्ट लाइन 5000 किलोमीटर की है, ये आपको नहीं याद रखनी, बस ये याद रखो भैया गल्फ ऑफ मैक्सिको कहाँ है, देखो यूएसए मैक्सिको और ये आपका हो गया क्यूबा। ठीक है, क्यूबा, ठीक, चलिए। दूसरा आता है गल्फ ऑफ ओमान, बहुत न्यूज़ में रहता है ये, सुना होगा आपने। गल्फ ऑफ ओमान कनेक्ट करता है अरेबियन सी को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, कैसे आइए दिखाता हूँ, ये देखिए गल्फ ऑफ ओमान दिख रहा है, ये अरेबियन सी है, अरेबियन सी को कनेक्ट करता है किससे, देखिए पर्शियन गल्फ से थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, मतलब गल्फ ऑफ आपको कौन सा दिखा, गल्फ ऑफ ओमान, ये गल्फ ऑफ ओमान है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और ये जुड़ गया पर्शियन गल्फ से। ठीक है, अब यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि गल्फ ऑफ जो ओमान है वो कितने देशों के पास है, तो ये देखिए पाकिस्तान से भी लगता है, ईरान से लगता है, ओमान से लगता है, और यूएई से लगता है, ये देखिए, ठीक है ना, तो अरेबियन सी पाकिस्तान ईरान ओमान और यूएई इनसे कनेक्ट करता है, मतलब देखो पाकिस्तान ईरान ओमान यूएई, अरेबियन सी को पर्शियन गल्फ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, गल्फ ऑफ ओमान। ठीक है, चलते हैं तीसरे गल्फ की तरफ, गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ एडन, तो तीसरा गल्फ है गल्फ ऑफ एडन, मैप दिखाता हूँ पहले, तो ये देखिए गल्फ ऑफ एडन दिख रहा है, गल्फ ऑफ एडन। अब ये आपको कहाँ दिख रहा है पता है, एक तो ये आपका अफ्रीका का एरिया जो है जिबूती इथोपिया वाला ये, और ये आपका कौन सा है येमान। ठीक है, ये किसको कनेक्ट कर रहा है, देखो अरेबियन सी को कनेक्ट कर दे रहा है रेड सी से, अरेबियन सी को किससे कनेक्ट कर रहा है, रेड सी से कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, क्या बताओ कि भैया गल्फ ऑफ एडन जो है, गल्फ ऑफ एडन ये येमान और सोमालिया के बीच में है, पहला पॉइंट कहाँ है, येमान और सोमालिया के बीच में है, येमान और सोमालिया के बीच में है, अरेबियन सी को कनेक्ट करता है किससे, रेड सी से, बाय बाबले मंडेप, ये एक बाबले मंडेप स्ट्रेट है, बाबले मंडेप स्ट्रेट है, नाम याद रखना, कभी एग्जाम में पूछ ले कि बाबले मंडेप स्ट्रेट कहाँ है, तो ये देखिए दिख रहा है आपको, इरिट्रिया वगैरह के पास पड़ेगा, मतलब येमान से होते हुए जाएगा, रेड सी के पास है। ठीक है, चौथा देखते हैं, अब चौथा आपका आ गया भैया पर्शियन गल्फ, कौन सा गल्फ, पर्शियन गल्फ, तो ये देखिए आपको दिख रहा है पर्शियन गल्फ, पर्शियन गल्फ ये कहाँ कहाँ दिख रहा है, देखो आपको ईरान में दिख रहा है, और सऊदी अरेबिया, कतर है, बहरीन है आपका, यूएई है। ठीक है, और ये आपका कौन सा सिटी है, कुवैत, ये क्या है, कुवैत। ठीक है, मतलब कुल मिला के मोटे मोटो किन देशों के नाम बता सकते हो, पर्शियन गल्फ में ईरान हो गया, ठीक है, कुवैत हो गया, इराक का भी कुछ पार्ट दिख जाएगा, सऊदी अरेबिया हो गया, कतर हो गया, बहरीन हो गया, यूएई हो गया। ठीक है, ये आपका पड़ता है पर्शियन गल्फ, नाम याद रखना भैया पर्शियन गल्फ, पूछेगा एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट देखने, अब आता है आपका पांचवा गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया, गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया, देखो मैप की यही खासियत होती, बस मैप देख लिया आपने, अपने आप दिमाग में एक इमेज बन जाती है, बढ़िया उसको फीड हो जाता है दिमाग में, हर चीज़ लिखनी नहीं पड़ती। ठीक है, मैप से ही आराम से चीज़ें याद हो जाती है। तो देखो गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया आराम से आपको दिख रहा कहाँ है भैया, ऑस्ट्रेलिया में है, कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में दिख रहा आपको ये, है ना, ये एक लैंड है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के पास गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है केप यॉर्क पेनिनसुला, ये क्या है, केप यॉर्क पेनिनसुला बहुत इंपॉर्टेंट है। पेनिनसुला क्या होता है, जो तीन तरफ से वाटर से ढका होता है उसको पेनिनसुला बोलते हैं, तो केप यॉर्क पेनिनसुला। टॉरस स्ट्रेट देखिए आपको यहाँ दिख रहा है, अराफूरा सी, कभी एग्जाम में आ जाए अराफूरा सी, कोरल सी, ये सब यहीं पे है। तो गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया आपको याद रखना है, क्या रखना है, गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है,
और साथ में ये याद रखना अर्कूरा सी, ये भी यहीं पे पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में, और ये टॉरस स्ट्रेट पड़ेगा, पपुआ न्यू गिनिया है ना और ऑस्ट्रेलिया के बीच में टॉरस स्ट्रेट, ये अर्कूरा सी को कनेक्ट करता है कोरल सी से, ठीक है। वो मैंने इंपॉर्टेंट स्ट्रेट का वीडियो बना रखा है, वो उसमें कवर हो जाएगा। ये गल्फ देख लो आप, गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया, ठीक। अब आ जाइए नेक्स्ट दिख रहा है आपको गल्फ ऑफ बोथानिया, कौन सा गल्फ ऑफ बोथानिया, ये आपको स्वीडन और फिनलैंड के बीच में दिख जाएगा गल्फ ऑफ बोथानिया, किसके किसके बीच में, स्वीडन और फिनलैंड के बीच में गल्फ ऑफ बोथानिया। अब ये देखो बाल्टिक सी से कनेक्ट होता है, ये बाल्टिक सी है आपका, और यही सब बाल्टिक नेशन है आपके, ये सब बाल्टिक नेशन हो जाएंगे, इस्तोनिया, लतीविया, लिथुआनिया, ये बाल्टिक नेशन है। ये गल्फ ऑफ फिनलैंड दिख रहा होगा आपको, ये देखिए गल्फ ऑफ फिनलैंड, तो खैर वो तो अलग चीज़ है, गल्फ ऑफ फिनलैंड याद रख लो भैया, ये कहाँ दिखेगा, एक फिनलैंड और इस्तोनिया के बीच में, गल्फ ऑफ फिनलैंड कहाँ है, इस्तोनिया और फिनलैंड के बीच में, इस्तोनिया फिनलैंड और ये रशिया भी है, खैर है ना, रशिया इस्तोनिया फिनलैंड, और गल्फ ऑफ बोथानिया कहाँ है, फिनलैंड स्वीडन के बीच में, फिनलैंड स्वीडन के बीच में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, गल्फ ऑफ रीगा देखिए, कौन सा गल्फ ऑफ रीगा, कभी एग्जाम में न्यूज़ में बना रहता है तो आराम से बता सकते हो गल्फ ऑफ, ये देखो फिनलैंड था जो फिनलैंड और इस्तोनिया और इधर रशिया के बीच में था, गल्फ ऑफ रीगा आपको कहाँ मिल जाएगा, इस्तोनिया और लतविया के बीच में, जैसे यहाँ पे देखिए इस्तोनिया लतविया, ये गल्फ ऑफ रीगा है, तो आपको यहीं पे तीन गल्फ दिख गए, देखिए बहुत बढ़िया चीज़ है ये, यहीं पे आपको तीन गल्फ याद हो गए, गल्फ ऑफ बोथानिया, गल्फ ऑफ फिनलैंड, गल्फ ऑफ रीगा, ठीक है। तो गल्फ ऑफ बोथानिया फिनलैंड और स्वीडन के बीच में, गल्फ ऑफ फिनलैंड, फिनलैंड और रशिया इस्तोनिया के बीच में, गल्फ ऑफ रीगा आपको दिख रहा है लतविया और इस्तोनिया के बीच में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, गल्फ ऑफ अलास्का, नाम से ही पता चल रहा है भैया अलास्का में ही होगा ये, तो देखिए गल्फ ऑफ अलास्का दिख रहा है आपको, गल्फ ऑफ अलास्का, तो ये अलास्का और कैनेडा इसके पास पड़ जाएगा, पैसिफिक ओशन का पार्ट है ये, ठीक है। गल्फ ऑफ अलास्का कहाँ है, पैसिफिक ओशन का पार्ट है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, गल्फ ऑफ फिनलैंड मैंने बता ही दिया आपको, इस्तोनिया रशिया और फिनलैंड के बीच में है। गल्फ ऑफ मन्नार, ये अपना भारत आ गया, गल्फ ऑफ मन्नार, तो ये देखिए ये आपको गल्फ ऑफ मन्नार दिख जाएगा, ये क्या है, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार बहुत इंपॉर्टेंट है, गल्फ ऑफ मन्नार, ये बहुत ट्रेड होता है यहाँ से इंडिया का, पाक स्ट्रेट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और यहीं पे कच्चा तीवु आइलैंड है, वो भी बड़ा फेमस है, और ये पाक बे है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है गल्फ ऑफ मार्तबन, गल्फ ऑफ मार्तबन, तो ये देखिए दिख रहा है गल्फ ऑफ मार्तबन कहाँ पे, म्यांमार में, जूम कर दिया आप, दिख रहा होगा म्यांमार में दिख रहा है गल्फ ऑफ मार्तबन, गल्फ ऑफ मार्तबन, कोई पूछ ले कहाँ है भैया, देखिए पूरी तरह से म्यांमार में, कहीं से थाईलैंड का हिस्सा नहीं है, गल्फ ऑफ मार्तबन याद रहेगा, एम से म्यांमार, एम से मार्तबन। कौन सा सी का पार्ट है, देखिए अंडमान सी है यहाँ पे, कौन सा सी है, अंडमान सी है, दिमाग में इमेज बनेगी एक दो बार देखोगे आराम से याद हो जाएगा, गल्फ ऑफ मार्तबन अंडमान सी का हिस्सा, किसका, अंडमान सी का, ये देखिए गल्फ ऑफ थाईलैंड दिख रहा है, ये सब नाम से ही पता चल जाएगा, तो ये तो गल्फ ऑफ थाईलैंड हो गया। मार्तबन इस टाइप का पूछेगा, गल्फ ऑफ मार्तबन कहाँ है, तो म्यांमार में है, अंडमान सी का हिस्सा है। अब ये नाम से ही पता चल रहा है गल्फ ऑफ पनामा, तो इस टाइप का नहीं पूछेगा, गल्फ ऑफ पनामा पनामा में है, ये सर नहीं पूछेगा आपसे। और ये किसका हिस्सा है, पैसिफिक ओशियन यहाँ पे है, तो पैसिफिक ओशियन, ठीक है। गल्फ ऑफ स्विस की बात कर लेते हैं, गल्फ ऑफ स्विस, तो ये देखिए दिख रहा है आपको गल्फ ऑफ स्विस दिख रहा है, जहाँ से स्विस कैनाल भी जाती है ना, गल्फ ऑफ स्विस, ये कहाँ पे है देखिए, ये जो सिनाई पेनिनसुला है ये इजिप्ट का है, सिनाई पेनिनसुला, इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला है, वहीं पे पड़ जाता है ये आपके गल्फ ऑफ स्विस, ठीक है, स्विस कैनाल जो है उसी के पास है गल्फ ऑफ स्विस, ठीक है, गल्फ ऑफ स्विस, ये रेड सी को कनेक्ट करता है, देखो रेड सी, और ये आपको दिख रहा है गल्फ ऑफ अकाबा, ये किसके बीच में है, ये आपको एशिया मतलब वही सऊदी अरेबिया पेनिनसुला नहीं और इजिप्ट, उसके पास देखने को मिलेगा, मतलब इसमें दिखाता हूँ, खैर गल्फ ऑफ थाईलैंड हम लोग देख ही चुके हैं, गल्फ ऑफ थाईलैंड देख चुके हैं ना, इसमें कौन कौन से देश आ जाएंगे, थाईलैंड है, कंबोडिया है, और ये साउथ चाइना सी का हिस्सा है, किसका है, साउथ चाइना सी, गल्फ ऑफ थाईलैंड किसका है, साउथ चाइना सी का है, थाईलैंड और कंबोडिया इसका हिस्सा है। अब आपको दिख रहा है गल्फ ऑफ गेप्स, कौन सा गल्फ ऑफ गेप्स, ये कहाँ पे पड़ेगा, ये देखिए टूनीशिया नहीं है, टूनीशिया जो अफ्रीकन कंट्री, अल्जीरिया, टूनीशिया, यहाँ पे पड़ता है ये गल्फ ऑफ गेप्स, मेडिटेरेनियन सी का हिस्सा है, ये किसका है, मेडिटेरेनियन सी का, गल्फ ऑफ गेप्स टूनीशिया, गल्फ ऑफ गेप्स टूनीशिया। अब आता है गल्फ ऑफ अकाबा, तो गल्फ ऑफ अकाबा देखो कहाँ दिख रहा है आपको, इसराइल, और ये इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला है, इजिप्ट और ये सऊदी अरेबिया जो है ना, तो ये गल्फ ऑफ अकाबा है, याद रखना भैया गल्फ ऑफ अकाबा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसराइल क्योंकि न्यूज़ में रहा है, जॉर्डन है ये इस तरफ, और इधर आपका ये इजिप्ट हो गया, ठीक है, इजिप्ट जो है आपका इजिप्ट के पास पड़ जाएगा, ये गल्फ ऑफ अकाबा, गल्फ ऑफ अकाबा, ये गल्फ ऑफ स्विस। अब आपको दिख रहा है एमंडसन गल्फ, कौन सा एमंडसन गल्फ, ये कहाँ पे है, सिंपली बस याद रखो कनाडा में है, ये कहाँ पे है, कनाडा में, ये कनाडा नहीं है जो बैंक आइलैंड, विक्टोरिया आइलैंड, ये सब मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी में कराया, अगर मेरी वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़ देखनी है मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, देख डालो,
तो ये एमंडसन गल्फ डायरेक्ट सवाल पूछे कहाँ है, कनाडा में, ठीक है। फिर आता है गल्फ ऑफ टोंकिन, कौन सा गल्फ ऑफ टोंकिन, ये आपको कहाँ दिख रहा है, ये देखो वियतनाम में, ये कहाँ पे है, वियतनाम में। चाइना ने इस पर क्लेम कर दिया कि ये इसका हिस्सा है ना, तो ये न्यूज़ में काफ़ी बना है, मैंने इस पर शॉर्ट्स भी बनाया था। गल्फ ऑफ टोंकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको कहाँ दिख रहा है, वियतनाम, और ये चाइना के पास साउथ चाइना सी में, ठीक है, वियतनाम और साउथ चाइना सी, नाम याद रखना। बाकी हमारे प्यारे भारत के दो गल्फ, गल्फ ऑफ कच्छ ये तो पता ही होगा, अरेबियन सी का हिस्सा है, और गल्फ ऑफ खम्बत गुजरात के पास, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खम्बत गुजरात। फिर आ जाता है गल्फ ऑफ गिनिया, कौन सा गल्फ ऑफ गिनिया, ये नाम से ही पता चल रहा है भैया, अफ्रीका के पास पड़ता है, कहाँ पे, अफ्रीका के पास, किसका हिस्सा है, अटलांटिक ओशन का हिस्सा है, किसका है, अटलांटिक ओशन का, गल्फ ऑफ गिनिया, गल्फ ऑफ गिनिया, गल्फ ऑफ गिनिया। चलिए एक बार रिविजन कर लेते हैं फिर से, तो इंपॉर्टेंट गल्फ, गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये कहाँ पर पड़ता है भैया, यूएसए मैक्सिको क्यूबा में, ठीक है, यूएसए मैक्सिको क्यूबा में पड़ता है। दूसरा गल्फ ऑफ ओमान, ये कहाँ पे था, गल्फ ऑफ ओमान पाकिस्तान, ईरान, यूएई और आपका ओमान, अरेबियन सी को कनेक्ट करता है पर्शियन गल्फ से थ्रू स्ट्रेट ऑफ हार्मोस। नेक्स्ट आ जाता है गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ एडन कहाँ पड़ता है आपको दिख रहा है, ये देखिए येमान और सोमालिया के बीच में पड़ता है, अरेबियन सी को बाबले मंडप के द्वारा रेड सी से कनेक्ट करता है, ठीक है। पर्शियन गल्फ जो है वो ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, यूएई, इसको कनेक्ट करता है पर्शियन गल्फ या स्ट्रेट ऑफ हार्मोस, गल्फ ऑफ ओमान, ये पड़ गया आपका गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है, ये भी हम लोगों ने देख लिया। गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया, ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है आपका। गल्फ ऑफ बोथानिया, ये स्वीडन फिनलैंड के बीच में है। गल्फ ऑफ फिनलैंड, फिनलैंड इस्तोनिया रशिया के बीच में है, बाल्टिक सी का हिस्सा है। गल्फ ऑफ रीगा भी बाल्टिक सी का हिस्सा है, इस्तोनिया और लताविया के बीच में आता है। गल्फ ऑफ रीगा ये आपका लताविया और इस्तोनिया के बीच में है, ऊपर देख लिया अभी। गल्फ ऑफ अलास्का, नाम से ही पता चल रहा है, अलास्का और कनाडा के बीच में है, पैसिफिक ओशन का हिस्सा है। नेक्स्ट है गल्फ ऑफ फिनलैंड, ये भी अभी देख लिया ऊपर हम लोगों ने। गल्फ ऑफ मन्नार, ये अपना भैया इंडिया के नीचे आता है, इंडिया के पेनिनसुलर पार्ट में, गल्फ ऑफ मन्नार। फिर नीचे गल्फ ऑफ मैटबन, नाम से ही पता चल रहा है, म्यांमार में आता है, अंडमान सी का हिस्सा है। गल्फ ऑफ थाईलैंड, थाईलैंड और कंबोडिया का हिस्सा है, साउथ चाइना सी में आता है। गल्फ ऑफ पनामा, नाम से ही पता चल रहा है, पनामा में है, पैसिफिक ओशन का हिस्सा है। गल्फ ऑफ स्विस, ये गल्फ आपको कहाँ मिल जाएगा, देखिए इजिप्ट में मिलेगा, ये कहाँ मिल जाएगा, इजिप्ट में मिल जाएगा, स्विस कैनाल का हिस्सा है, ठीक है, इजिप्ट में मिलेगा, स्विस कैनाल का हिस्सा है। गल्फ ऑफ थाईलैंड हो चुके, एक सेकेंड माफ कीजिएगा, गल्फ ऑफ थाईलैंड देख चुके हम लोग, साउथ चाइना सी का हिस्सा है, थाईलैंड और कंबोडिया का पार्ट है। गल्फ ऑफ गेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, गल्फ ऑफ गेप्स ये आपको कहाँ मिल जाएगा, देखिए टूनीशिया और ये इधर लीबिया है, तो टूनीशिया का हिस्सा है गल्फ ऑफ गेप्स, मेडिटेरेनियन सी का पार्ट है गल्फ ऑफ गेप्स। फिर आपको मिलेगा गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस ये आपको कहाँ मिल जाएगा, यूएस का हिस्सा है गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, यूएस में पाया जाएगा। गल्फ ऑफ अकाबा ये आपका कहाँ पे पड़ जाएगा, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इसके बीच में इसराइल, जॉर्डन, इसका हिस्सा है, ठीक है, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इसराइल, जॉर्डन। फिर आता है आपका एमंडसन गल्फ, ये डायरेक्ट सवाल है, कैनेडा में है, कहाँ पे है, कैनेडा में है, कैनेडा, कैनेडा। गल्फ ऑफ टोंकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में, चाइना और वियतनाम के बीच में है, गल्फ ऑफ टोंकिन साउथ चाइना सी का हिस्सा है। फिर आता है गल्फ ऑफ कच्छ, ये देख लिया इंडिया में, अरेबियन सी, गल्फ ऑफ कम्बत भी देख लिया, अरेबियन सी, गल्फ ऑफ गिनिया ये आपको अफ्रीका में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे वीडियो कर रहा हूँ समाप्त, इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताइए, ऐसे ही वर्ल्ड ज्योग्राफी के सारे कॉन्सेप्ट मैप के थ्रू कवर करने के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।